अब यहाँ पर बात किया जाए एनिमल टिश्यूज का, है ना। तो एनिमल टिश्यूज, जैसा कि आपने देखा था कि प्लांट टिश्यूज टू टाइप का होता है, एक तो प्लांट टिश्यूज और एक एनिमल टिश्यूज। इसके पहले वाले वीडियोज में या इसके पहले वाले में आपने देखा था क्या कि प्लांट टिश्यूज के टाइप्स, है ना। लेकिन अब बात किया जाए एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज भी आपके ओवरऑल ये होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं। इस चीज़ को यहाँ समझिए, एनिमल टिश्यूज ओवरऑल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, क्लियर है ना। एक होता है आपका एपिथेलियल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज या कनेक्टिंग टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, एपिथेलियल, एपिथेलियल कनेक्टिंग। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है मस्कुलर टिश्यूज। तीसरा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज। और बात किया जाए फोर्थ की, तो फोर्थ होता है आपका नर्वस टिश्यूज होता है। फोर्थ क्या होता है आपका? नर्वस टिश्यूज। और ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ये किसके बेस पर है? तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डियर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के बेस पर। उनके फंक्शंस का मतलब एनिमल्स के फंक्शंस के बेस पर एनिमल सेल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिंग टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। अब बात किया जाए एपिथेलियल टिश्यूज, तो एपिथेलियल टिश्यूज को अगेन जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और 5 पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और फर्स्ट है स्क्वेमस। फर्स्ट क्या है आपका? स्क्वेमस। फर्स्ट जो है स्क्वेमस है। और सेकंड की बात किया जाए क्यूबोइडल है। सेकंड आपका क्या है? क्यूबोइडल है। और थर्ड की बात किया जाए, यानी कि थर्ड एपिथेलियल टिश्यूज की बात किया जाए, तो कॉलमनर है। क्या है वो आपका? कॉलमनर है। और बात किया जाए फोर्थ की, तो फोर्थ जो है आपका वो है सिलिएटेड कॉलमनर होता है, कॉलमनर है ना। और बात किया जाए फिफ्थ की, तो होती है वो ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर, है ना, ग्लैंडुलर। अब यहाँ भी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, कम ही आता है ना। तो एपिथेलियल फर्स्ट टाइम में कुछ कुछ अगर हो रहा है, बहुत कुछ है ना, यानी कि कुछ कुछ ही समझ में आता है, पूरा नहीं आता, ऐसे समझ लो भाई। तो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं स्क्वेमस, मतलब इतने टाइप्स हैं। और स्क्वेमस जो है अगेन 2 टाइप्स का होता है ना। स्क्वेमस में 2 टाइप होते हैं, एक तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस सिंपल फॉर्म में हो सकते हैं, और दूसरा जो होता है आपका सेकंड की बात किया जाए वो स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड, अभी इन सब के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में हो सकते हैं। अब बात किया जाए कनेक्टिंग टिश्यूज, तो कनेक्टिंग टिश्यूज आपके ये कई टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिंग टिश्यूज आपके कई टाइप्स के होते हैं। और कनेक्टिंग टिश्यूज के टाइप्स की बात किया जाए, तो जैसे अभी आपने देखा था ब्लड, ब्लड क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज है। इसी प्रकार बोन, आपकी हड्डी, ये भी टिश्यूज है, लेकिन कौन से टिश्यूज? कनेक्टिंग टिश्यूज है। बात किया जाए कॉर्टिलेज, है ना, कॉर्टिलेज, तो ये भी आपकी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज है, क्लियर है ना। बात किया जाए टेंडन, तो टेंडन भी आपकी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज ही है। बात किया जाए अगर लिगामेंट, तो लिगामेंट भी आपकी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यूज है, है ना। और बात किया जाए एरियोलर, तो ये भी आपकी कनेक्टिंग टिश्यूज के टाइप्स हैं, क्लियर है ना। और एक लास्ट टाइप्स होता है, वो होता है एडिपोज, एडिपोज होता है, देन है ना। अब बात किया जाए मस्कुलर, तो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं 3 टाइप्स की, मस्कुलर टिश्यूज होती हैं 3 टाइप्स की। और जो फर्स्ट होती हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं। फर्स्ट क्या होती हैं? स्ट्रिएटेड होती हैं, क्लियर है ना। सेकंड की बात किया जाए वो अनस्ट्रिएटेड होती हैं। सेकंड क्या होती हैं? अनस्ट्रिएटेड होती हैं। और बात किया जाए थर्ड की, तो थर्ड होती हैं कॉर्डिएक होती हैं। थर्ड क्या होती हैं? कॉर्डिएक होती हैं। तो इस प्रकार से जो है मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स होते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। तो आपने क्या देखा? एनिमल टिश्यूज जो होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एपिथेलियल, कनेक्टिंग, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस।
एपिथेलियल कई टाइप्स की होती हैं, स्क्वेमस टू टाइप्स की, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल कॉलमनर और सिलिएटेड कॉलमनर, और होती हैं ग्लैंडुलर। और बात किया जाए कनेक्टिव, तो कनेक्टिव होती हैं ये कई टाइप की, ब्लड बोन कार्टिलेज टेंडन लिगामेंट एरियोलर और एडिपोज। और मस्कुलर ये थ्री टाइप की होती हैं मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड और होती हैं कार्डियक। डन।